केवल जो स्टूडेंट्स हैं वो आफ्टर 10th ACCA ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर मैम आप मान लीजिए कोई अपनी 30s में है, क्या वो भी ACCA ऑप्ट कर सकते हैं एज अ करियर? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखो, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं ये बात कहती हूँ कि सबसे फ्लेक्सिबल कोर्स है एंड यू कैन स्टार्ट इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो फॉर अस, अगर मेरे को बताना एज फार एज PFC इज कंसर्न, हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनरोल किया जब भी वो 14 ईयर्स के थे. 14 ईयर्स से दे स्टार्टेड देयर ACCA जर्नी, क्योंकि इसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आप खाली 10th पास होने चाहिए. तो 10th पास करते से ही कुछ स्टूडेंट्स ने ACCA क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर दी. वी ऑल्सो हैव स्टूडेंट्स हु आर इन देयर 40s एंड 50s. मेरा एक रिसेंट रजिस्ट्रेशन था PFC इंस्टीट्यूट पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज 55 प्लस समथिंग एंड ही इज परस्यूइंग ACCA. तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट देयर आर बेनिफिट्स. अगर आप एक सर्टेन एज लेवल पे हो तो आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की होगी, तो उसमें बहुत सारे एग्जेम्पशन है ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट कंप्लीटेड डिग्री ऑल्सो. सो यू कैन अवेल दैट एंड एंटर द डिग्री एट एनी पॉइंट.